सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चाएं चल रही तमाम तरह की देश में, और इन चर्चाओं के बीच में तमाम तरह के दौरे भी शामिल होते हैं, और दौरों के बीच में राजनीति होती है, राजनीति के बीच में बयान आते हैं। पर बयान जब कभी ऐसे आते हैं जिस पर भी चर्चा होनी शुरू हो जाती है। अगर हम बात करें चर्चाओं की, तो यहाँ पर जंतर मंतर पर पहलवान वाला मुद्दा लगातार चर्चा बना रहा, और भाजपा सांसद पर लगातार वो पहलवान हमलावर हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जिस तरह से प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है, लोग देख रहे हैं कि हमारा शोषण हुआ है, 28 मई को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, और अगर बीजेपी सरकार उनको बचाती रहेगी तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे। हालांकि कल मेडल वापस करने और प्रवाहित करने के वहाँ पर हरकी पैड़ी भी गए थे, पर वहाँ पर श्री गंगा सभा ने मना कर दिया। उसके बाद ये मेडल नरेश टिकट को दे दिए गए, और नरेश टिकट ने फिलहाल सरकार को यहाँ पर 5 दिन का समय दिया है। तो ये बात तो रही पहलवान वाली, पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आज ही चर्चा में आया, वो आया है राहुल गांधी की यात्रा का। जी हाँ, मैं यहाँ पर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ बात कर रहा हूँ राहुल गांधी के दौरे की, बात की उनकी यात्रा की। वो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को गए, और वहाँ पर एक कार्यक्रम के दौरान सांता क्लारा में उन्होंने तमाम ऐसी बातें कही जिसको लेकर अब विपक्ष यहाँ पर एकजुट होता नजर आ रहा है। तो वहीं पर जो सत्ता पक्ष है वो राहुल गांधी पर दोबारा हमलावर हो गया। राहुल गांधी अभी हाल में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे, और वहाँ पर भी उन्होंने तमाम बातें देश के बारे में कही थी, जिसको लेकर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर हो गया। तो कहा था कि राहुल गांधी को देश की मर्यादा का, देश की संस्कृति का, देश के अस्तित्व की बात को, देश की अच्छाई को वहाँ पर बयां करना चाहिए, ना कि देश की बुराइयों को। अब बुराई क्या थी, सत्य है या गलत है या सही है, वो तो सभी जानते हैं। पर यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने कैम्ब्रिज में बयान दिया था कि माइक बंद कर दिया जाता है, अल्पसंख्यक वर्ग पर यहाँ अत्याचार हो रहे हैं, सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है, और तमाम बातें उन्होंने कही, जिसके बाद सत्ता पक्ष और कांग्रेस के बीच में लगातार हम देख रहे थे कि आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए थे। खैर, यहाँ उस यात्रा को पीछे छोड़ते हुए राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को गए थे, वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने तमाम तरह की बातें कही उसको लेकर भी राजनीति यहाँ पर तेज हो गई है। और राजनीति इतनी तेज हो गई है कि हैदराबाद के सांसद और AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी राजनीति में कूद गए हैं। खैर, असदुद्दीन ओवैसी का नया नाम नहीं है, असदुद्दीन ओवैसी इसके पहले भी तमाम तरह की जो बातें उत्तर प्रदेश में होती हैं, देश में होती है, वो समय समय बयान देते रहते हैं, और जब मामला मुस्लिम वर्ग का हो तो असदुद्दीन ओवैसी उस समय बयान से पीछे नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर राहुल गांधी ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण बिल हम लाना चाहते थे, पर हमारे सहयोगी नहीं लाने दिए, पर इस बार अगर हम आएंगे तो महिला आरक्षण बिल भी लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर लोगों ने नफरत की दुकान खोल रखी है, इसलिए मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की थी, और पर भारत जोड़ो यात्रा को भी रोकने का तमाम प्रयास किया गया, पर हमने अपनी यात्रा को सफल करके दिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर सरकारी एजेंसियों को दुरुपयोग हो रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, और यहाँ तक ये भी कहा कि संसद के उद्घाटन के माध्यम से यहाँ विषय भटकाए गए, और बेरोजगारी, गरीबी, शिक्षा जैसे तमाम विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। खैर, संसद भवन का उद्घाटन तो होना ही था, वो तो बना हुआ था, पर चूंकि राहुल गांधी का अपनी एक सोच है, अपनी एक व्यवस्था है, पर इसके साथ भारत जोड़ो यात्रा की अच्छाई को लेकर और केंद्र सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने तमाम तरह की बातें कही। पर यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि मुस्लिमों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, और मुस्लिम लोग परेशान हैं, और इतना अत्याचार हो रहा है जो कभी उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ होता था, 1980 की बात। और उन्होंने कहा कि भारत नफरत में विश्वास नहीं रखता है, पर एक पार्टी है जो केवल नफरत की दुकान चला रही है, और इसलिए हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, और भारत में मुस्लिम वर्ग को डर लगने लगा है, सिख वर्ग को डर लगने लगा है, जैन वर्ग को डर लगने लगा है, आदिवासी दलित लोग डरने लगे हैं, ऐसी व्यवस्था फिलहाल देश की चल रही है। ये बात उन्होंने वहां पर कही। उसके बाद से सत्ता पक्ष लगातार राहुल गांधी को एक ही बार कहते नजर आ रहा है कि ये क्या है, देश की बात देश में कहें, आपने इतनी बड़ी यात्रा निकाली 5 महीने की,
पहले 70 किलोमीटर की यात्रा की, तमाम बातें आपने कही, पर देश की बात को कैनबरा यूनिवर्सिटी में जाके कहना, देश की बात को सांता क्लारा में कहना, ये कहां तक सही है? और इसको लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है और यही आज का हमारा प्राइम डिबेट का महत्वपूर्ण चर्चा विषय है कि देश की बात देश में ना होकर के बाहर करने की जरूरत क्या है और बाहर से आप क्या करना चाहते हो और बाहर का क्या जनमत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जनाधार आपको देश की जनता देगी ना कि विश्व प्रदर्श। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, उस पर चर्चा करने के लिए कुछ ही समय हमारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बात बताई उसी बात पर यहाँ चर्चा भी शुरू हो गई है और स्पष्ट हो रहा है कि हाँ, देश का जो महत्वपूर्ण चुनाव अब आने को है, 24 चुनाव अब आने को है। और मैं नासिरुद्दीन ओवैसी की आपको बात कही थी, नासिरुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सिख दंगों को याद कर ले, राहुल गांधी 1980 में दलितों पर अत्याचार को याद कर ले, और राहुल गांधी अपने समय में हुए तमाम ऐसे श्रृंखलाएं हैं जो उनको याद हो नहीं होंगी वो याद कर लें कि किस तरह इनकी सरकार में मुस्लिम वर्ग पर लगातार अत्याचार हुए, और जब अत्याचार हुए हैं तो अब इस वर्ग की अचानक याद क्यों आ रही है, इस वर्ग की बात क्यों करने लगे हैं, क्योंकि अभी तक आप इस वर्ग की बात नहीं करते थे। और यहां पर अगर जिस तरह से राहुल गांधी अपने आप को एक अग्रणी नेता के रूप में दिखा रहे हैं तो फिर उसकी अपने आप को दिखाने के लिए जो जमीन है, जो धरातल है, वो अपने देश का चुनकर बाहर ही धरातल पर जाकर क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? अगर संघर्ष करना है, लड़ाई करनी है, चुनौतीपूर्ण यहाँ पर स्थिति लानी है तो संघर्ष देश में करिए ना कि विदेशों में जाके। वहां पर क्या दिखाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो समझ से परे है। और यही विषय आज का महत्वपूर्ण विषय बन चुका है कि क्या ही ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने दौरों को लेकर जाते हैं और वहाँ पर लोग उनके पैर भी छू लेते हैं, वो पीठ थपथपाते हैं और उनको देश में सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापकता को महत्वपूर्ण करने के लिए प्रयास जारी है या फिर कोई ऐसी राजनीति का यहाँ पर कड़ी नजर आ रही है जो बिल्कुल अलग है। 24 की तैयारी महत्वपूर्ण है पर शायद तैयारी की जगह यहाँ पर गलत चुन ली या सोची समझी राजनीति है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूँ, किसी जन प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से मनोज सिंह अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से जयप्रकाश पांडे अपनी बात रखेंगे, नेता आपसे जन प्रसार अपनी भाई अपनी बात रखेंगे, गजेंद्र त्रिपाठी विशेषज्ञ रूप में अपनी बात रखेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो प्रवक्ता कांग्रेस से रहेगा, मनोज भाई क्या है, जगह सांता क्लारा अच्छी लग रही है या कैनबरा अच्छी लग रही है, देश अच्छा नहीं लग रहा क्या? यहीं लड़ लीजिए, यहीं संघर्ष कर लीजिए, यहीं बातें बोल लीजिए, भारत जोड़ो यात्रा में बातें कहिए, ये राजनीति है या अपनी व्यापकता को बढ़ाने का एक नया तरीका राहुल गांधी याद की है? देखिए, सच बताना अच्छा और देश की सूरत हाल पर सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार की जो मंशा है, वो अब ग्लोबलाइजेशन का समय है, अच्छा। वो ईमानदारी से रखना अच्छा, हर गांधीवादी, हर अहिंसा और सत्य में डेमोक्रेटिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति का जी राजनीतिक नैतिक धर्म है जी। तो राहुल गांधी जी जो इस समय देश में उपेक्षित, वंचित और उन सभी अनसुनी आवाजों की कहानी बन चुके हैं, उनकी अच्छा आवाज बन चुके हैं देश में कि विदेश में, देश में विदेश में हर जगह, अच्छा, लेकिन बात तो देशवासियों की ही कर रहे हैं अच्छा, अच्छा। देशवासियों की जो वस्तु स्थिति है उस पर जो उनकी बेबसी है, सरकार की द्वारा जो उपेक्षा है अच्छा, सरकार जो सत्ता के अहंकार में चूर होके कुछ भी अनाप शनाप अच्छा कर रही है और चूंकि सवाल से सरकार डरती है अच्छा, इसलिए व्यक्तिगत स्तर पर कोई भी सवाल करने वाले के खिलाफ किस किस तरीके के हथकंडे और प्रयास किए जाते हैं ये जग जाहिर है अच्छा। तो सवाल है, भारत अपनी आजादी की जो उसकी मूल भावना है, स्पिरिट है, जो उसके अधिकार हैं, जन अधिकार हैं, तो भारत की पहचान इससे है अच्छा। तो भारत की इस पहचान को मोदी सरकार ने जिस प्रकार से धूमिल चोटिल करने का काम किया है अच्छा, तो राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों के हृदय तक, मन मस्तिष्क तक पहुंच चुके हैं अच्छा। कर्नाटक की सम्मानित सुधी शिष्ट जनता ने अच्छा अपना स्पष्ट संदेश देके भारतीय जनता पार्टी और मोदी की झूठ, जुमले,
फरेब, हिंसा, लाठी, गाली गोली की राजनीति को खारिज करने का काम किया है। अच्छा, अभी 2024 में निर्णायक लड़ाई हमारे सामने है, ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई। अच्छा अच्छा, भारत को एक तानाशाह तरीके से, अच्छा, लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करते हुए, अच्छा, देश में लोकतंत्र, देश में विपक्ष मुक्त, प्रधानमंत्री का कोटेड नारा है, अच्छा, विपक्ष मुक्त कांग्रेस मुक्त भारत देखना चाहते। अच्छा अच्छा, तो ऐसे प्रधानमंत्री जो सत्ता के अहंकार में चूर है, लोकतंत्र से उनकी उनकी कोई समझ नहीं है, कोई नाता नहीं है, तो वो जिस सारी बातें पर ये मंच ये अपना रहे हैं, मंच जो वो धरती कहीं की भी हो, अच्छा, धरती कहीं की चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, चुनाव लड़ने की बात नहीं, क्यों, वहां पर भारतीय नहीं है क्या? बिल्कुल भारतीय है। भारत के भविष्य के प्रति जो लोग चिंतित हैं, आशंकित, अच्छा, हैं, उनसे सवाल होगा। अच्छा, अच्छा, किसी विषय पर अपनी बात राय रखनी होगी। अच्छा, तो एक जिम्मेदार नेता के रूप में, लोकतंत्र सेवी के रूप में, लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के रूप में जी, अपनी आवाज क्या बताएंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की तरह झूठ बोल देंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री बड़े बड़े वादे करेंगे, औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके कह देंगे कि वो तो जुमला था। देश इस मौकरी से, इस सर्कस से नहीं चलने वाला है। अच्छा, सर्कस देश है। निर्णायक लड़ाई की भूमिका में आ चुका है और राहुल गांधी जी एक सभ्य, शिष्ट, बेहतर तरीके से, शिक्षित तरीके से, लड़ाई का अभियान जहां पर भी जी, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात होगी। अच्छा, भारत की उपेक्षित वंचित जनता की आवाज बनने की, आशा बनने की आवश्यकता होगी। एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी जी के जो मिशन है, जो स्पिरिट है, जो ऊर्जा है, जो उनकी बौद्धिकता है, उससे प्रेरित होकर भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फरेब की कलई खोलने का काम करेगा, क्योंकि सत्ता में है, ये अधिकार है इनके पास, इसलिए सत्ता के अहंकार में चूर होके ये किसी नियम कायदे कानून से, संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक, और कोई दब जाए और कोई नेता डर जाए, अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता, कांग्रेस का एक एक सिपाही इनकी मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगा। राजनीतिक संवैधानिक लड़ाई संसद के अंदर, संसद के बाहर, सड़क पर, चौराहे पर, देश में, विदेश में, हर जगह लड़ना है, क्योंकि भारत के भविष्य को सुनिश्चित करना है। ठीक है मेरे भाई, मेरा एक सवाल, सिंपल सा सवाल है, सपा का अभियान शुरू होने वाला है, बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो गया है, तो आपका महाजनसंपर्क अभियान सांता क्लारा शुरू हुआ क्या, बता दीजिए थोड़ा सा। जाहिर सी बात, महाअभियान तो आपने देखा किस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा का जो स्वाभाविक मिशन था, जो स्वाभाविक तौर से लोग प्राकृतिक तौर से, क्योंकि कोई देखिए कोई वहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रायोजित कार्यक्रम प्रायोजित करते हैं लोग, अच्छा, किस प्रकार से, क्योंकि जनता ने कहा, उनके बात हो रही, उनके अधिकारों की बात हो रही, अच्छा, एक ईमानदार नेता बिना किसी लाग लपेट के सीधी बात कर रहा है, अच्छा, अपने कंफर्ट जोन से निकल के वो उनके द्वार तक, उनके दिल तक दस्तक देने आया है। चले, तो भारत की जनता स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से अगर उनको कोई आवाज देने का काम करता है, उनसे संबंध बनाने का काम करता है, उनसे तन्मयता रखता है, उनसे संवाद करता है, तो भारत की जनता नकली और असली में फर्क करना बहुत बेहतर तरीके से जानती। ठीक है, ठीक है, किसी जन, किसी भाई, मनोज सिंह की आपने सभी बातें सुन ली है कि क्यों राहुल गांधी ने सांता क्लारा के मंच से नफरत की दुकान को हराने के लिए मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही, क्यों उन्होंने महिला आरक्षण की बात कही, क्यों उन्होंने मुस्लिम को डर की बात कही, और क्यों वो बोल रहे हैं कि सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग कर विपक्ष को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। केसी भाई, क्या जवाब है आपका राहुल गांधी के सेंट फ्रांसिस्को में दिए गए बयानों को लेकर? दो चीजें होती हैं जी, दोनों जी, पहली चीज ये कि पॉलिटिक्स में तमाम सारी चीजों की छूट है, तमाम सारी बातें आप कर सकते हैं जी, और तमाम सारे मुद्दों को आप ये भी कह सकते हैं कि भाई राजनीतिक कारणों से हमने बयान दिया जी, लेकिन ये सारी चीजें अगर जब तक आप इस तरीके की टिप्पणियां, इस तरीके का बचाव आपका तब तक हो सकता है जी, जब तक तो चीजें देश के अंदर रहे, यानी कि भारत देश का अंदरूनी मामला जब तक रहे जी, तब तक आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं जी, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय मंचों से जी ये कहते हैं कि भारत देश का संविधान खत्म हो गया है, भारत देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, और यूएस जैसे कंट्रीज को आप आह्वान करते हैं कि उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता है जी, तो आपने देखा गौरव जी कि राहुल जी के साथ, राहुल जी के पक्ष में कोई भी पार्टी नहीं दिखाई दी, अच्छा, वो पार्टियां भी नहीं दिखाई दी जो यूपीए का गठबंधन के घटक दल इनके रहे, कभी वो पार्टियां भी राहुल जी की इन बातों का समर्थन करते हुए नहीं दिखाई। इसका मतलब साफ है कि देखिए देश की जनता में चाहे वो नेता हो,
चाहे वो आम जनता हो, लेकिन जब देश की बात आती है तो सबकी भावना एक जैसी होती है जी। और देश के ऊपर सवाल खड़ा करना, देश के लोकतंत्र पे सवाल खड़ा करना, देश को कटघरे में खड़ा करना और इस तरीके का आह्वान करना जी, किसी एक बाहर की कंट्री को, किसी फॉरेन कंट्री को, कि उसके हस्ताक्षेप की आवश्यकता है, अच्छा, इस चीज को देश का कोई भी नागरिक स्वीकार नहीं करता। अच्छा, और भी तमाम सारी बातें कही जी। और लेकिन जब देश को, देश के संविधान को बताया कि भाई देश खतरे में, देश का संविधान खतरे में, वो भी चीजें एक बार मान ली जाए, लेकिन दूसरे देश का आह्वान करना, मान रहा है आप कमना खतरे में है क्या? नहीं नहीं, अगर उसके बाद में ये आह्वान करना, अच्छा, जो है कि ये आह्वान करना कि विदेशी कंट्रीज के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो हमें लगता है इससे ज्यादा अपमानित करने वाली कोई भी बात नहीं हो सकती। अच्छा, और एक बात है कि जब जब कांग्रेस पार्टी हारती है जी, जब जब कांग्रेस के राहुल गांधी जी, राहुल गांधी जी, हाँ तो आप सवाल नहीं उठाया ना। अच्छा, जब वो जीत के आते हैं तो आपने देखिए चुनाव आयोग पे सवाल नहीं खड़ा किया। अच्छा, अगर कर्नाटक में जीते अच्छा, तब चुनाव आयोग पे सवाल नहीं खड़ा हुआ। अच्छा अच्छा, उत्तर प्रदेश में हार गए एक दो सीटें बची तो चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हो गया। पंजाब में हार गए, चुनाव आयोग पे सवाल खड़ा हो गया, भाई चुनाव आयोग पक्षपात करता है। तो और पार्टियां खास करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, तमाम सारे आरोप राहुल गांधी जी लगाते हैं जी। लेकिन एक विदेशी देश की धरती पर जाकर के भारत देश को अपमानित करना, यहाँ के देश के नागरिकों को अपमानित करना, प्रधानमंत्री को गाली देना, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, प्रधानमंत्री वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है जी। और पूरे देश के प्रधानमंत्री है, पूरे देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। और जो सवाल राहुल गांधी जी खड़े कर रहे हैं, क्या वो उनकी कसौटी पे सही उतर पा रहे हैं? अच्छा, आप देखिए अभी माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेशी दौरे पे जाते हैं तो दूसरे देशों के प्रधानमंत्री झुक करके पैर छूते हैं, इतना सम्मान देते हैं। अच्छा, तमाम सारे वो देश जहाँ पे एक दूसरे के बीच में युद्ध हो रहा है, वो देश दोनों के दोनों देश ये कहते हैं कि नहीं, भारत देश के हस्तक्षेप की आवश्यकता है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो भारत देश की ताकत को कमतर आंकना और बाहर जाकर के उसका अपमान करना जी, देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना जी, अपने संवैधानिक शक्तियों का अपमान करना जी, ये कहां तक सही जी? राहुल गांधी किसी भाई, ये एजेंडा है क्या इनका? ये क्या मानते हैं, राहुल गांधी का या कांग्रेस का एजेंडा है क्या? देखिए एजेंडा इसलिए बन गया है, अच्छा अच्छा, दरअसल देश के अंदर अभी आपने एक बात कही जी, और हमारे कांग्रेस साथी विनोद जी ने भी वो बात दोहराई जी, कि अभी वो बाहर निकले और सेफ जोन से बाहर निकले, पूरे देश में उन्होंने दौरा किया जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन आपने जो आपने देश में दौरा किया, राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा की, पदयात्रा में सबसे संपर्क किया जी, वो चाहे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी हों, उत्तर प्रदेश से चाहे अखिलेश यादव जी हों, बहन मायावती जी हों, वेस्ट बंगाल से चाहे ममता बनर्जी, अरे तो आप भी जा सकते थे भारत जोड़ने की मूल भावना से, आपको क्या बैर है? किसी भी जा सकते थे, आपके नेता भी जा सकते थे, किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया जी। अच्छा, कोई भी आपके साथ नहीं आया, अच्छा, जगह जगह गए और उत्तर प्रदेश से तो किनारे किनारे भाग खड़े हुए, अच्छा, कि उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली है। अच्छा, और ये देखिए जनता को बेवकूफ समझना और जनाधार जो जनता का जनादेश है, अच्छा, उसको लगातार अपमानित करना, ये कांग्रेस का सगल बन गया। अच्छा, देखिए कर्नाटक का जो परिणाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया जी, हमने उसको साथ स्वीकार किया, हमने बधाई भी दी कांग्रेस को। अच्छा, लेकिन कांग्रेस जब भी हारती है तो कहती है ईवीएम मशीन गड़बड़ हो गई, चुनाव आयोग गड़बड़ हो गया, देश की जनता को भ्रमित किया गया। अच्छा, तो यानी कि आप जनता को क्या समझते जी? जनता के जनादेश का एक ही माध्यम है चुनाव जी, और चुनाव में हर एक पार्टी अपनी बात रखती है जी, आप भी अपनी बात रखते हैं, हम भी अपनी बात रखते हैं, आम आदमी पार्टी बात रखती है, उसके बाद में जनता सारी चीजों को कसौटी पे कस करके जाके और देती है। अच्छा, तो जनता के जनाधार को ना स्वीकार करना ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या ये हो जाती है जब राहुल गांधी जी की सदस्यता चली जाती है। अच्छा, राहुल गांधी जी की जब जेल जाने की बारी आती है, संसद में बैठने लायक नहीं रह जाते हैं, उत्तर प्रदेश से छोड़ करके वायनाड चले जाते हैं, तब जो है देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अच्छा, लेकिन सीधे सीधे चुनी हुई सरकारों को जनता के जनादेश को अपमानित करना, और जब यहाँ सफल नहीं हो पाते तो विदेश की धरती पे जाकर के देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली देना, देश को गाली देना, देश के संविधान को खतरे में बताना, विदेशी जो ताकतें हैं उनको देश में आह्वान करना,
ये क्या है, ठीक है, ये कौन सी राजनीति है, ठीक है, ठीक क्या है। इसको देश की जनता उत्साहित है भाई, या आपको उत्साहित है भाई, राजनीति उत्साहित है, हिमाचल जीत क्या है, कर्नाटक जीत क्या है, उत्साह बोल रहा, ठीक है। जब कैसे पांडे बाहर जाकर क्या पारित कर रहे हैं, अच्छा चलिए, इनको खतरा नजर आता है देश में, अच्छा ठीक है, ठीक है, लोकतंत्र में, ठीक है। जब कैसे पांडे, ये तो सवाल है, जब भाई बड़ा मुस्कुरा रहे थे आप, किसी भाई की बात पर ऐसा क्या कह रहे, किसी भाई ने, किसी भाई कह रहे थे कि आज मतलब मोदी जी का ऐसा जलवा है, हाँ पाप, तो उसमें पापा गोरे की राष्ट्रपति ने पेंच छूली है, अच्छा अच्छा भाई, 1.5 लाख की 2 लाख की आबादी के किसी भी ऐसे व्यक्ति को बुला लाइए, वो भारतीय शिष्टाचार के नाम पे आप सिजदा करा दीजिए। भारत अगर 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जी, और जहाँ तक ये है कि निश्चित रूप से अगर विदेश में मोदी जी का प्रभाव, राहुल गांधी के बोलना तो एक विपक्ष के नेता है, व्यक्ति की आज़ादी उससे कष्ट नहीं है, अच्छा। अमेरिका में इनकी स्थिति क्या है, जो नमस्ते ट्रंप पे अरबों रुपया फूकने वाले मोदी जी थे, अच्छा। किराए की भीड़ जुटाने वाली जी, अमेरिका के विदेश विभाग के अधीन ही आती है जी संस्था, और उसकी इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा त्यागी जी, CPC श्रेणी में रखा है उन्होंने आपको, और लगातार 2 साल से जी, कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न जी, यानी वो अमेरिका के विदेश विभाग आपको हैसियत में इस स्थिति में डाल दिया है जी, जहां उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, ईरान है हमारी डेमोक्रेसी को, तो ये क्या राहुल गांधी दोषी हैं जी? तो जो देश आपको पहले ही मान चुका है कि आपके यहाँ डेमोक्रेसी है ही नहीं, आप तो उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान के बराबर हैं, अच्छा, तो वहां जाके और आप कह रहे हैं वो विदेश, आपको अमेरिका के पश्चिमी तट की तारीख नहीं मालूम है, जब अच्छा। गांधी जी भी अवतरित नहीं हुए थे सार्वजनिक जीवन में, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1913 में, सैन फ्रांसिस्को से लेके आप कहिए कि कनाडा वाली पट्टी तक चले जाइए, तो वहीं गदर आंदोलन चला था, 15 बरस का लड़का करतार सिंह सरभा था जी। या सोहन सिंह भखना थे, तो ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी प्रवासियों ने, चूंकि उनको मालूम था कि भारत की इज्जत जब तब तक यहाँ भारतीयों की नहीं होगी, जब तक भारत में लोकतंत्र नहीं होगा, अंग्रेज मुक्त नहीं होंगे, तो वो एक ऐसी पवित्र जगह है जहाँ एक तरफ ये जान लीजिए कि भारत के स्वराज की रूट रही है, अच्छा। तो वहाँ पर जाके पारित करने का नहीं, सुन लीजिए, अपमान ऐसे नहीं होता है, अरे अपमान CPC रिपोर्ट में हो रहा है, अच्छा, अरे भाई वहाँ पे जाके अधिकार मिल गया, सुन लीजिए, सुनिए, सुनिए, किसी भाई सुन लीजिए, सुन लीजिए, संविधान को, सुन लीजिए, किसी भाई सुन लीजिए, प्रधानमंत्री को गाली, अरे अपने टर्म पे बोलिएगा, बोलिएगा कुछ, कैसे सुन लीजिए, भारत देश को गाली देने का अधिकार इसलिए मिल गया जी, क्योंकि वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन, देश रो लगा दीजिए, खत्म करिए बात, खत्म करिए, नाराजगी किस बात, ठीक है, अरे मैं ये कह रहा हूँ, एक बार और बोल लीजिए, ये कि राहुल गांधी का बोलना एक विपक्ष के नेता का है जी, वो ज्यादा खतरा है भारत की संप्रभुता, भारत की प्रतिष्ठा के लिए, कि अमेरिकी विदेश विभाग रिकॉर्डेड है जी, वो लिख के आपको इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में CPC श्रेणी में रखता है, उससे इज्जत बढ़ रही है जी, आप प्रतिक्रिया दे लीजिए फिर हम बताएंगे, बोलिए, देखिए, देखिए वो कोई फॉरेन कंट्रीज है, अरे अमेरिका है, नमस्ते ट्रंप, आप वो कोई नहीं है, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है और नमस्ते ट्रंप है, लेकिन भारत देश का जो विपक्ष है वो क्या अमेरिका के साथ हो गया, चलिए आपको नहीं बोल, वही कह रहे थे, आप बोल नहीं सकते, अमेरिका कर रहा है वही, आप तो असली असली जख्म वहां जहाँ बोल नहीं पा रहे, वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, चलिए आपने वो लगा दी जी, जो काम पाकिस्तान कर रहा है, अरे वो CPC के, वो CP की रैंकिंग की बात कर रहे हैं भाई, वो CPC रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, अरे ये इनकी मजबूरी समझ रहे हैं भाई, वो CPC रिपोर्ट की बात कर रहा है, क्या देखा कि CPC रिपोर्ट जो है वो आपको किस श्रेणी में रखती है, दूसरी चीज आपको ये बता दें, सुनिए दूसरी चीज और बता, सुनिए किसे, सुनिए चलिए, अरे पांडे को और कुछ भी बता रहे भाई, हो जाए, अमेरिका जो बात कर रहा है वही काम राहुल गांधी जी करेंगे, नहीं नहीं अमेरिका बात नहीं कर रहा, सवाल ये है कि आपके प्रधानमंत्री नमस्ते ट्रंप भी करे, अरे वो 1.5 लाख की आबादी वाला आदमी सिजदा किया, हमारा प्रधानमंत्री नमस्ते कर रहा था, और हमारे 90 लाख की आबादी है अमेरिका का, 90 लाख की आबादी है, 1.5 लाख की विदेश मंत्री क्या कर रहा है, हमारा केवल विदेश मंत्री बना लिया, वो कहेगा चीन से हम नहीं लड़ पाएंगे, वो विदेश मंत्री प्रतिरोध करे, हम आपके साथ हैं, क्यों हमको विशेष चिंता का देश बना दिया भाई जी, वहाँ तो नमस्ते ट्रंप हो जाएंगे, अच्छा तो किराए की भीड़ भी नहीं जुटा पा रहे हैं, अच्छा अरे किराए की भीड़ 18,000 के
कैपेसिटी वाले स्टेडियम में 27,000 की भीड़ मोदी ही ला सकते हैं प्रभु। भारत देश किराए की भीड़ इकट्ठा कर रहा है, यानी जो बोल कांग्रेस के हैं वही बोल समाजवादी। केसी भाई, केसी भाई, केसी भाई सुन लीजिए, जब का पांडे बोल रहा है, केसी भाई सुन लीजिए, केसी भाई प्लीज, भाई और प्रतिक्रिया का अवसर, जब का पांडे बोल रहा है बोलिए, और प्रतिक्रिया का अवसर मिल जाएगा। पहला तो ये है, दूसरा ये है केसी भाई की दुनिया में जो दलित और महिलाओं की बात उन्होंने कही है, अब तो ग्लोबल वर्ल्ड है आप जानते हैं, क्या कोई पृथ्वी का देश है जो जंतर मंतर पे जिस दिन संसद का उद्घाटन कर रहे थे माननीय मोदी जी, उस दिन जो हमारी मेडलिस्ट बहनों का, रेसलर बहनों की दुर्दशा कर रही थी उत्तर, अरे दिल्ली की पुलिस, तो आपको लगता है कि क्या वो दृश्य देख के कहा जाएगा कि नहीं आधी आबादी की बड़ी इज्जत है, या पुलिस की कोई लोकतांत्रिक मूल्य, लोकतांत्रिक प्रशिक्षण संस्कार है भारत में? तीसरा उसी सुनिए, दूसरा उसी से सुनिए, अरे बात सुन लीजिए, मैं आप आप एक और मिला के दे लीजिएगा, उसी दलित का भी सुन लीजिए, उसी में दलित राष्ट्रपति है लेकिन उसको न्योता तक नहीं दिया जाएगा। अब दोनों प्रतिक्रिया दीजिए, मैं आप ही के लिए सवाल कर रहा हूं। वो क्या था? नहीं, मैं वो कौन सा संविधान था? वो सब आतंकवाद था, मान लिए हम मान लिए कि राष्ट्रवाद का ठेका सिर्फ भाजपा के पास है, हम सब लोग विपक्ष के राष्ट्रद्रोही। आप दूसरा उत्तर दीजिए, एक क्वेश्चन और ले लीजिए, एक सवाल और ले लीजिए प्रवक्ता सभा का भाई, आपकी प्रतिक्रिया के लिए दूसरा सवाल हमने पूछा, ये पूछा है कि एक ही साथ 2-in-1 है, उसी संसद के उद्घाटन में शीर्ष पद पर बैठी और बाप तो वकील हैं संयोग से, आप खारिज कर दीजिए संसदीय व्यवस्था का जो ढांचा हमने लिया है, उसमें राष्ट्रपति अंग नहीं है, राष्ट्रपति के अधीन दोनों सदन नहीं है। अरे सुनिए, वो बिल्डिंग राष्ट्रपति देती है, अब अरे मोदी जी कह रहे हैं वो तो हमारा देवालय है, आप कह रहे बिल्डिंग, अरे ये तो बिल्डिंग बता रहे हैं, अरे गजब का नाचीज नहीं है भैया, बिल्डिंग नहीं, भारत का मंदिर है, गौरव जी भारत के मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे दलित को, यही मनुवादी सोच है आपकी जी। गौरव जी बोलिए, आप ना तो भारत के मंदिर का उद्घाटन प्रथम नागरिक से करने दे रहे हैं और ना महिलाओं को न्याय दे रहे हैं, ये दोनों लाइव दिख रहा पूरे दुनिया को, मोदी जी ने पूरे दुनिया को लाइव दिखाया, क्या हैसियत है, चाहे वो राष्ट्रपति बना देंगे लेकिन उसे न्योता तक नहीं देंगे, ये तो आप खुद ही आयोजन करके बता रहे हैं। राहुल गांधी क्या बेचारे करे, राहुल गांधी ने कुछ किया ही नहीं, आयोजन करके भारत की बेइज्जती तो आप कर रहे हैं कि हम दलित को बुलाएंगे भी नहीं और रेसलर बहनों की ये दुर्दशा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हो गया बात आ गई, और मेहमान भी है, अगले टर्न पे बोलिएगा। अच्छा, इतना ही महिला भाई, मैं हम विरोधी है, आप समाजवादी है, मैं मनुवादी हूँ, मान लिया भाजपा समाजवादी, अगले चरण को गाली दे रही भाई, चुनाव के टाइम पे तो गाली दे रहे थे, अरे अरे विरोध कर रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, अलग है वर्तमान में सीटिंग है, अरे इतना समझ तो आपको भी है, चुनाव लोकतांत्रिक लड़ाई, अच्छा आप निर्विरोध दिए, भाजपा ने कब राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लिया, कब गाली नहीं दी है, भारत में कब निर्विरोध चुनाव हुआ, नीलम संजीव रेड्डी को छोड़ के, तो हर जगह हर चुनाव में हर दल बोलता है, ये कौन भाषण देने आप आ गए, पहले आप माफी मांग लीजिए कि आपको बोध था, हमें तो चलिए ठीक है हम अराजकवादी हैं, लेकिन आपका जो दोहरा चरित्र है, आप हमेशा राष्ट्रपति के चुनाव में क्यों हिस्सा लिए, अखिलेश यादव जी कहते थे ये राष्ट्रपति के योग्य नहीं है, अच्छा आप कब मानते थे, आप तो कलाम को भी नहीं मानते थे, आज आप सम्मान की बात करते हैं, आप तो नीलम संजीव रेड्डी को भी नहीं मानते थे, जनसंघ कभी समर्थन ही नहीं किया निर्विरोध चुनाव का, अच्छा ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया आपको, अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, अच्छा आप क्या क्या लेके चले आते हैं, कोई आवश्यकता नहीं इस रिट की, अरे सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था दुनिया भर बेइज्जती दिखाए मोदी जी, अच्छा आपने पूरे आपने अपने दलित प्रेम को इंटरनेशनल प्रोग्राम करके पैसे लगा के दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत में दलितों की हैसियत क्या है और भारत में महिलाओं की स्थिति क्या है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के बहाने, आपका मनुवादी चरित्र सार्वजनिक हो गया, मोदी जी अनजाने में अपने को सार्वजनिक कर दिए, ठीक है ठीक है, आपको इस हो गया होगा दोनों का, और दूसरा संबोध ले आके एक राजतंत्र का स्मारक भी स्थापित कर दिया, अरे भाई योगी जी पहले सीट गंगा जल से धुल ले, अखिलेश जी को दलित मानते हैं, अच्छा अरे सुनिए योगी जी तो गंगा जल से कुर्सी धुलवा दिए, वो तो पिछड़े दलित को मानते ही नहीं हिंदू, अच्छा वो तो गंगा जल से कुर्सी धुलवा दिए, आप क्या धुलेंगे पैर, आप क्या धुलेंगे, कब योगी जी पैर छुए हैं,
कभी होगी जिस स्वतंत्र देव पिछड़ा है उस बेचारे को पैर पे गिराया जाता है, स्वतंत्र देव प्रदेश अध्यक्ष है बराबरी से हाथ मिलाना चाहिए उसको पैर पे गिराया जाता है, जब भूपेन्द्र चौधरी उसको पैर पे गिराया जाता है, अखिलेश यादव की कुर्सी धुलाई गई, आप बात कर रहे हैं कि आप हो गया हो गया ठीक है जनक प्रसाद बोलेंगे नेता आप जनक भाई हो गया केजी भाई हो गया केजी भाई हो गया अगले टर्न पे अभी समय बाकी है मेरे तीनों सवाल का उत्तर खोज लीजिएगा चलो ठीक है अमेरिका अभी आप लोग शांत हो डिबेट खराब मत करिए हो गया हो गया हो गया केसी भाई हो गया हो गया नेताब हो गया जनक भाई अरे कहां से आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने सार्वजनिक रूप से बता दिया कि हम मनुवादी हैं चलिए दलित की ये दशा करेंगे बहनों की सार्वजनिक रूप से पिटाई करवा के दिखा दिया और आपने प्रधानमंत्री जी ने पैर धुले किसके पैर धुल लिए यहाँ छोटे खुदा को कह दिया कि कुर्सी धुलवा लो अखिलेश यादव की चलिए ये असली ड्रामा है चलो ठीक हो गया माफी मांगेंगे अखिलेश यादव जी हो गया कुर्सी धुले थे आप चलिए हो गया ये हमसे गलती हुई हो गया हो गया हो गया माफी मांगिए अब लाइन डिबेट खराब मत करिए प्लीज डिबेट खराब मत करिए जनक भाई बोलिए जनक भाई आपको पूरा मामला पता है पूरी जानकारी है आपकी क्या राय है क्योंकि आप भी अब राष्ट्रीय पार्टी बन चुके हैं जनक प्रसाद जी तो पहले से अंतरराष्ट्रीय हेलो जी बोलिए बोलिए आपकी आवाज आ रही है आवाज आ रही मेरी बिल्कुल आ रही बोलिए धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए आपके चैनल पे चलिए और जैसा कि भाजपा का जो चेहरा है अच्छा महिलाओं के प्रति अरे कांग्रेस पे बोल दलितों के प्रति मुद्दा वही है हाँ। दलितों के प्रति वो उजागर हो गया पूरा देश देख रहा है अच्छा अच्छा हमारी अगर मोदी जी हाउडी मोदी करते हैं इको हो रहा है सर आपके यहाँ पे जरा समझ सही करवाइए जी इको सही किया जाए इको रिवर्स इको इको हो रहा है जी, जी जी आप बताइए हाउडी मोदी करते हैं वहां पे और विदेशों में जाके मोदी जी कहते हैं कि भारत में इससे पहले 2014 से पहले जन्म लेना एक अभिशाप रहता था वो क्या भारत का सम्मान बढ़ाते थे वहां पे जाके वो तो कैसे बताइए सम्मान था कि अपमान था चलिए वो बताइए दूसरी बात ये है कि आप संविधान के ये संविधान जलाने वाले लोगों का ये राज चल रहा है इस समय जी क्या बात कर संविधान जलाने वाले लोगों का राज चल रहा है हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई पार्टी संविधान के लिए इस तरह से करती है आप बताइए सम्माननीय संजय सिंह को आप जगह माफी ईडी माफी मांगने के बाद भी हाँ। फिर से नाम लेने का काम कर रही है अच्छा। कौन सा संविधान चला रहे हैं कौन सा देश चला रहे हैं आप जी चोर चोर बहुसेरे भाई इसका जवाब कौन देगा जी और संजय सिंह के ऊपर आप लोग जो ईमानदार व्यक्ति है उस पर घेरने का काम कर रहे हैं आप लोग जी अभी तो गुंडा तमंचा की भाषा से इनको कर रहा है इनके मुखिया अरे सुनिए जतन जनक जी इन्होंने चोर चोर बहुसेरे मानवता का भी जुमला भी तो सुनिए मानवता का भी अगर आप हमें नहीं हमें जातिवाद में मैं नहीं हूँ लेकिन अगर आप दलित चेतना से रिलेट है या दलित वर्ग से रिलेटेड है तो इनका संबोधन सुनिए ये कह रहे हैं चोर चोर मौसेरे भाई मतलब आप दलित हैं तो ये आपको चोर भी कहेंगे अभी तो राष्ट्रपति का अपमान किए हैं ये इनकी मनुवादी सोच है आप सार्वजनिक करिए आप सुन लीजिए मनीष सिसोदिया अरे भाई कम से कम मर्यादा रखिए किसी भाई मनीष सिसोदिया चोर है आप कोई और नहीं होता किसी एक जेल जाकर तक मतलब पूरी का नाम दे ले रहे और उसको जेल में ईडी के थ्रू कर दिया तो ऐसे में क्या कहे राहुल गांधी गलत क्या कहे तो आप कह रहे हैं वही तो कहा है विपक्ष के प्रति क्या इनकी सोच है यही तो राहुल गांधी की आप तो सार्वजनिक कर दिए सिद्ध कर दिए अरे आप पूरी पार्टी को दिल्ली में सिकस्त जनक भाई बोल रहे हैं अभी जनक भाई बोल रहे हैं केसी भाई हो गया केसी भाई बोलिए ये आरएसएस हमारे पांडे जी ने इससे पहले बोला है केसी भाई जवाब आपको संविधान जलाने का काम किया है ये वही स्थापित करना चाहते हैं 24 के बाद अच्छा और आदि कर चुके हैं ये अच्छा कर चुके हैं आप बताइए ना जी कि माननीय सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के ऊपर क्या आरोप है जो अभी तक से जेल में है वो जी अरे कुछ ना कुछ होगा तभी आप मानने हमारे संजय सिंह को भी आप घेरने का काम कर रहे हैं झूठे आरोप में शराब घोटाला किया इसलिए जेल में लीजिए अरे आप मुद्रा पोर्ट पे भगवान की प्रसादी आई थी जी अडानी के मुद्रा पोर्ट पे रामदाना पकड़ा गया था जी
खराब मत करिए। केसी भाई, केसी भाई आपका मौका हो चुका है। केसी भाई की आवाज, केसी आवाज 158। गौरव भाई मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने जा रहा हूँ, सुन रहा हूँ। गुजरात मॉडल का यह है, 158 स्कूल गुजरात का ऐसे आए हैं जिसमें हाई स्कूल के एक बच्चा पास ही नहीं हुआ है। लीजिए ये गुजरात मॉडल समृद्ध है कि 50% महिलाएं पीड़ित है गुजरात में, जहां मोदी जी कंप्यूटर आधी आबादी, आधी आबादी की इतनी चिंता मोदी जी कर दिए, मनुवादी पूरी पीढ़ी की है। और आंकड़ा उठा के देख लीजिए, इतना अनिमिया से पीड़ित है, बंगाल केरल गरीब है, लेकिन मातृ शिशु दर देख लीजिए या किसी स्वास्थ्य के मानक पे देख लीजिए, गुजरात मॉडल की कलाई खुल जाएगी। अच्छा लीजिए, ठीक है, वहाँ पे 42,000 हद कर दिया इन्होंने। जनक भाई हमारे दलित समुदाय से या दलित चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चूंकि उन्होंने जाति नहीं लिखी। हाँ। मैं बड़ा सम्मान इनका करता हूँ। हाँ। और जाति कोई नहीं लिखता है तो निश्चित रूप से दलित चेतना का प्रतिनिधि है, उसको ये चोर कह रहे हैं। बताइए ये उच्च जाति के हैं भाई, तो ये कह सकते हैं ये भाजपा का संबोधन है, ये आपका दोष नहीं है। वो भाजपा में ऐसी नफरत की बुद्धि फैला दी जाती है। बाबा साहब कहते थे जिस दिन दक्षिण पंथी नेतृत्व हावी हो जाएगा दलितों महिलाओं की दशा खराब हो जाएगी, 1940 में कहा था और आज सही हो गया। ऊपर से लेके गंगोत्री, ऊपर से लेके योगी जी कुर्सी धुलवाते हैं और जैन साहब चोर कह रहे हैं दलितों को। चल ठीक है, ठीक है गजन भाई। अरे जिस दिन ओबीसी, हो गया ओबीसी जिस दिन जा क्या ना जी, मोदी जी को रास्ता नहीं मिलेगा जाने या कहीं। ठीक है अब ओबीसी के बहाने ओबीसी के हो गया आप कुर्सियां धुलवाते हो, ठीक है, सूत्र समझते हो। ठीक है गजन भाई बोलेंगे, जगह तो रहे भाई। ठीक है गजन भाई बोलेंगे, ठीक है, हो गया केसी भाई, अपने बीच में बोलेंगे, डिबेट खराब मत करिए प्लीज, बोलिए गजन भाई बिजन करिए। अभी तक हम लोगों ने सबकी बात सुनी जी, मैं स्टार्ट करता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता योग्य हैं और उन्होंने एक रिपोर्ट की बात किया जी, उस रिपोर्ट में भारत जी, चीन जी, रूस जी जैसे देश भी हैं, ठीक है, यहां तक कि अरब भी है उसमें, ठीक है, ठीक। अमेरिकन एक रिपोर्ट है जी, और राहुल गांधी जी वहां जाते हैं और लोकतंत्र का यही एक बेहतर जगह है जहां हम अपनी बात को कहेंगे, सुनेंगे, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे राष्ट्रीय स्तर हो। अच्छा, लेकिन इस रिपोर्ट को खारिज उनको वहां पे करके आना चाहिए था। अपनी बात तो कहें आप जी, लेकिन यह है बात केवल आप जाते हैं, विदेश मंत्रालय करेगा कि राहुल गांधी करेंगे। नहीं सुनिए तो मेरी बात, अरे आप केवल बीच में बोलिए सबके जी, मैं क्या कह रहा हूँ। चलिए चलिए, आप उसको एक अधूरी चीज की उन्होंने पढ़ा जी, अधूरी है वो, उस अधूरी चीज और अधूरा ज्ञान इनका हम बता रहे हैं। सरकार ने सुनिए, भारत सरकार ने लिखित रूप से 156 पेज की रिपोर्ट वहाँ भेजी है, उसके बारे में नहीं कहेंगे यहाँ पर जी कि भारत सरकार ने क्या बोला है। अच्छा, राहुल गांधी के समर्थन में जाएंगे। जब राहुल गांधी जब आते हैं, जब राहुल गांधी यात्रा पे चलते हैं तो यहाँ आने पे समर्थन नहीं किया जाता है। अच्छा, क्योंकि यहाँ वोट की बात है। अच्छा, अब आते हैं हम आपके दूसरे मुद्दे पर जी। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाधान कर दीजिए, पहले आप कह रहे हैं कि उस रिपोर्ट में रूस चीन और सऊदी अरब को भी रखा गया जी, तो क्या चीन रूस सऊदी अरब के साथ अगर हम खड़े हो जाएं इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में जी, तो हमारे लिए गौरव की बात। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि उस रिपोर्ट के बाद 156 पेज की रिपोर्ट नहीं, भारत सरकार द्वारा वहाँ दी गई, ठीक है, खंडन किया गया कि ऐसी कोई चीज नहीं, आप अपने डेटाबेस को देखें। अच्छा, रिपोर्ट है उस पर बकायदे। अच्छा, अधूरी बात तो कह देंगे टीवी पे आप यहाँ पे, नहीं, नहीं, अधूरी जानकारी समाज को देने का प्रयास मत कीजिए प्लीज। सरकार के विरोध का कोई हमारी बात हो जाए, बोल लीजिए आप पहले, नहीं मैं बोलिए या तो बोलिए उस पर आप बोलिए, बोलने की चूंकि बीच में आदत है। अरे बोलिए आप, राहुल गांधी जी वहाँ जाते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं का आरक्षण की बात उन्होंने कहा है। मैं पूछता हूँ ये वैसे ही है जैसे गरीबी हटाओ का एक नारा था। अच्छा, और महिलाओं की आरक्षण की बात आजादी से लेके आज तक हो रही है, कौन सी पार्टी दे दी है? कौन सी पार्टी दे दी भाई उसमें आरक्षण? बिल्कुल दीजिएगा आप, कौन सी पार्टी लाया महिलाओं को, क्या क्या नहीं आया? बात वही है, स्थानीय स्वशासन में बात यही है कि जब आरक्षण की बात आती है, महिला आरक्षण स्थानीय, अब देखिए बताऊ स्थानीय निकाय क्या चुनाव की बात करते हैं, ये
कभी भी लोकसभा में बात नहीं करेंगे। अच्छा ठीक है, विधानसभा में बात तो नहीं करेंगे। नहीं दिया ये मनुवादी नहीं दिया। आप इनका बात कर रहे हिंदू कोडिंग पास हो रहा था, जो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बिल है, जो महिलाओं को बराबरी दिया था, कौन विरोध कर रहा था? यही जनसंघ था, आरएसएस था, रामराज परिषद थी। ये आप विश्लेषक है, भाजपा का काम कर रखे सिपाही बैठे। हिंदू कोड बिल से बड़ा कोई बिल नहीं है भारत में। और आप बताइए भाजपा का क्या रुख था? भाजपा का जन्म था। समस्या यही है, अच्छा कि आप महिला एक मनुवादी पार्टी का जो महिलाओं का विरोध लगातार, चाहे कांग्रेस हो, आप उसके लिए विपक्ष को दोषी मान रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। अच्छा, दोनों पार्टी की स्थिति, चूंकि इनके पास में जगह है, यही आज के डेट में केंद्र में है जी, और कांग्रेस रही है जी, ठीक है, समाजवादी पार्टी भी बीपी सिंह के साथ में सरकार में वहां रही है, बिल्कुल रही। लेकिन महिला आरक्षण पर कभी बोलने की जरूरत इनको महसूस नहीं हुई। अच्छा, कभी नहीं बोला इन्होंने। अच्छा, समस्या यह है कि जब 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 जो सत्ता में आता है वह यह देखता है कि मुझे वोट कहां से मिलना है, इसके अलावा उसको राष्ट्र का कोई चिंता उन्ता नहीं होता। नहीं, राष्ट्र ऐसे ही। और राहुल गांधी की बात इन्होंने कहा, राहुल गांधी विपक्ष के विपक्ष के एक बहुत बड़े चेहरे हैं जी। अगर कहा जाए कि विपक्ष में सबसे बड़ा चेहरा कोई है इस देश में, तो राहुल गांधी है, बिल्कुल ठीक है। बाकी लोग विपक्ष के किसी भी बड़े चेहरे में नहीं आते हैं। राहुल गांधी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, हर राज्य में उनके लोग हैं, संगठन है, व्यवस्था है, तो कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, अपनी बात कहेंगे वो जी। और जब जब कोई भी प्लेटफॉर्म, चाहे वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे, और क्यों नहीं रखेंगे? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा, प्रधानमंत्री जाते हैं विदेश में, उनके दौरे की भी एक बार बातें हो जाएं, उन्होंने भी कई बार कहा है इस बात को, अभी वो बात भी आई है बीच में कि भारत में जन्म ले ले। अच्छा, माने आप क्या बात कहना चाहते हैं, इस बात को सोच समझ करके कहना चाहिए। अच्छा, कि ये बातें भविष्य में रखी जाएंगी और आलोचना होगी उसकी। अच्छा, अभी इसी उसमें देखिए, कांग्रेस के बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, छोटे भाई हैं, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री में समझ नहीं है, एक शब्द मैंने नोट किया। अरे भाई, प्रधानमंत्री में समझ नहीं है तो वह भारत का प्रधानमंत्री है। आपको सोच के बोलना चाहिए कि इस राष्ट्र के जो जनमानस जी, जिस जनमानस ने उनको वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाया है, जो आदमी नोटबंदी करके उसका इतना बड़ा अपमान, मतलब लोकतंत्र में आप आ गए, जनता का अपमान है ये। जवाब दे दीजिए, ये जनता का अपमान है ये। आप जनता का अपमान बिल्कुल मत करें, आप अपनी बात कर, और समझ की बात, उसकी बात आती है। नेहरू जी चुने नहीं गए थे, जिसको पानी पी पी कर कोसते हैं, तो सबसे बड़े मोहम्मद के नेता थे। देखिए, किसी भी प्रधानमंत्री की बात मैं कर दूं, अपने देश के किसी भी प्रधानमंत्री के समझ पर प्रश्न चिन्ह उठाना, तो ये आपके प्रधानमंत्री जी ही करते हैं। नेहरू जी भी प्रधानमंत्री थे, आप कौन सा इतिहास लेकर बैठ गए? आपके प्रधानमंत्री जी खुद मंच से नेहरू जी को पानी पी कर कोसते हैं, और नेहरू जी प्रधानमंत्री ही थे। नहीं, प्रधानमंत्री कोई आपका दूसरा है क्या? चाहे अपमानित नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, अटल जी हो, मोदी जी हो, तो कौन कर रहा है? कौन रहा? मोदी कर रहा है, मंत्री वही है। तो मोदी कर रहा है, तो मोदी की समझ का ठीका लिखा रखे हैं क्या? प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहा है भाई, कोई प्रधानमंत्री तो वो प्रधानमंत्री की ये इन्होंने सिद्ध कर दिया। जब इन्होंने कहा कि अगर कोई भी कर रहा है उसकी समझ सही नहीं है, मोदी कर रहे हैं भी उसकी समझ सही नहीं है। गजन भाई, देश दोबारा मैं करूंगा, गजन भाई दोबारा आऊंगा ठीक है। मनोज भाई देखिए जी, विषय की गंभीरता और भारत जिस संकट के दौर से गुजर रहा है, थोड़ा सा उसके प्रति संवेदनशील संकट का दौर है भारत। अच्छा अच्छा, गजेंद्र त्रिपाठी जी जैसे अनुभवी परिपक्व और माहिर विश्लेषकों को मैंने अगर नासमझ कहा प्रधानमंत्री जी को जी, तो चूंकि लोकतांत्रिक अधिकार है जी, मैंने कोई व्यक्तिगत अशोभनीय कोई ऐसा शब्द नहीं अमर्यादित इस्तेमाल किया जिससे अब क्या कहना चाहेंगे। नहीं नहीं, एक मिनट, आपके जिसकी आप घनघोर प्रशंसक हैं। अच्छा, त्रिपाठी जी। अच्छा, आपके माननीय प्रधानमंत्री जी एक संवैधानिक पद पर होते हुए विदेश की सरजमी पर बार बार बारंबार सैकड़ों बार भारत के स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति
किस तरीके का नफरती बात, नफरती भाषण, सुन लीजिए, प्रधानमंत्री ये गलत है, ये कम से कम प्रधानमंत्री कौन है, अधिकारों का कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन है भाई, ये संबोधित करना आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपका प्रधानमंत्री कौन है, अरे हमारे बोल लीजिए भाई, बोलिए हमारे प्रधानमंत्री बोल लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री बोल लीजिए, मैं कह रहा हूँ, देखिए हमारे बोल लीजिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, बोलिए हमारे बोल लीजिए, बोल लीजिए, ये कांग्रेस और हमारे प्रधानमंत्री ना समझ है, अच्छा राहुल गांधी को मार रखा है, ये पिछलग्गू बन गए राहुल गांधी के, अच्छा ये समाजवादी पार्टी पिछलग्गू बन गई है कांग्रेस, अच्छा देखिए सवाल है, उत्तर को नहीं दिखता भाई है, 2014 के पहले जी 2014 के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी युग पुरुष, युग प्रवर्तक, स्वयंभू चाणक्य होने के पहले, अच्छा, भारत में जो व्यक्ति पैदा होता था उसको विदेश में लोग हे दृष्टि से देखते थे और वो खुद भारतवासी अपने आप को अपमानित समझता था, अच्छा, अब जरा इसका विश्लेषण गजेंद्र त्रिपाठी जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी जैसे सर्वज्ञानी, आत्मज्ञानी, आत्ममुग्ध, आत्ममुग्ध जी, बहुत तंदुरुस्त, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री का ये भाषण शोभनीय है, अशोभनीय है, मर्यादित है, अमर्यादित है, लोकतांत्रिक है, लोकतांत्रिक है, ये तानाशाह की भाषा है या नेता की भाषा है, आप इसका विश्लेषण करिए, मैंने केवल समझ इस संदर्भ में कहा, देखिए बारी बारी बोलिए, मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लियर कर दूं, मैंने मैंने अल्पज्ञानी ना समझ जो सांकेतिक रूप से कहा, इसलिए कहा जहाँ महिलाओं की बात आएगी, जहाँ भारत के युवाओं की बात आएगी, भारत के किसानों की बात आएगी, भारत को हिंसा से निजात दिलाने की बात आएगी, और प्रधानमंत्री अगर किसी भी छोटी तंग नजरिए से देखेगा और सिर्फ अपने राजनीतिक दृष्टिकोण से, वोट बैंक की दृष्टिकोण से देखेगा तो वो अल्पज्ञानी होगा, मैंने इस संदर्भ में बात को कहा था, लेकिन आप उस बड़े सवाल को बहुत छोटे तरीके से आपने अपनी पार्टी का, अपने नेता का बचाव कर लिया, लेकिन देश जो आज सूरत हाल से गुजर रहा है, जो देश की यथास्थिति बनी है, जो वैश्विक स्तर पर भारत की पहचान में संकट है, जो आपने जो इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है जिम्मेदारी से, केसी जैन साहब या इनके किसी भी पार्टी के नेता के पास माकूल संतोषजनक जवाब नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सत्ता के नशे में चूर हैं, अच्छा, ये हिंसा गाली गोली वाले हैं, अच्छा, ये अमर्यादित अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, ये किसी पद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते, ठीक है, हो गया आप लोग और जो कुकर्म किए हैं, अरे ये कौन सी बात है, अरे कौन सी मर्यादा भाई, किसी भाई कुकर्म तो क्या होता है भाई, हाँ भाई ये तो कुकर्म था, ये कुकर्म था, आपसे सवाल हुआ क्या, आपसे सवाल हुआ है, क्रांति कोई सच बोल दिया तो ऐसी ये कैसे करता है, जिस सरकार 12,000 जी 12,000 किसान सुसाइड करता रहा जी आपके दौर में, अरे 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 बहुत बढ़िया, आ बैल मुझे मार, अभी अभी जिपे जवाब देंगे आपकी बात का, अभी जिपे जवाब देंगे आपकी बात का, अरे ठेका लेके आए मोदी जी के खिलाफ भाई, क्या बोल रहे हो ये सब किसान भाई, किसान किसानों से माफी भाई, अरे काहे आप अपने जवाब लूंगा करवाने आ गए जी, किसान सम्मान निधि के रूप में 67,000 रुपया रोज क्या करना, इस कुर्बानी पे गौर न मर जाएगा, 17 रुपया रोज दे किसानों को, किसान सम्मान निधि में 500 रुपया, सुन लीजिए जयप्रकाश जी, लगातार आप बोल रहे हैं, गलत तरीका है आपका, लीजिए गलत तरीका, विशेषज्ञ महोदय के बीच में भी आप बोल रहे थे, लीजिए सबके बीच में आप बोल रहे हैं, किसी की बात नहीं आने दे रहे जी, गलत तरीका है, गलत तरीका है, सुन लीजिए, देखिए जी, देखिए 12,000 किसान सुसाइड करता था, कौन सी इतनी पुख्ता योजना थी किसानों के लिए जी, आज किसानों के अकाउंट में सीधे 6,000 रुपए जा रहा है, अच्छा वो इनको लगता है कि खराब काम है, अच्छा 65,000 करोड़ रुपए सरकार प्रतिवर्ष खर्च कर रही है किसानों की सम्मान निधि के लिए, अच्छा 80,000 देश की 80 करोड़ आबादी को मुफ्त राशन, ये 6,000 रुपए पर दे के ना उधर एक उधर से ये प्राइस बढ़ा देते हैं, खाद का प्राइस कितना बढ़ गया, खाद कितना बढ़ गया, सुनिए डीएपी कितना बढ़ गया, यूरिया कितना बढ़ गया, पता है आपको, आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूं, किसानों से बात के लोग करते हैं, जो मुख्य प्रश्न आए हैं मैं उसका जवाब दूंगा, केवल बस बोलिए, उसके बाद अपनी बात को खत्म कर दूंगा जी, देखिए आपको देश की बहुत चिंता है, अरे बात खत्म करिए, आप बात खत्म करते करते देश खत्म करने की कगार पर ला दिए, देश को मत खत्म करिए, इमरजेंसी आपने लगाई, क्यों इमरजेंसी लगाई, केवल इंदिरा गांधी जी ने अपने शासन सत्ता को जी सुप्रीम, अरे वो ऐसी इमरजेंसी थी ना, बुलडोजर चलाना, किसी को गोली लगी, सुई बड़ी पीछे चल रही, दुर्भाग्य दुर्भाग्य, देखिए आखिर में किसी भाई, एक मिनट बोलूंगा, परंपरा आखिर में चलेगा,
समाजवादी पार्टी की बात भी सुन लीजिए केसी भाई, कांग्रेस वही परंपरा लेकर के अभी तक चली आ रही है। अच्छा ठीक, जब इसको सत्ता नहीं मिलती है तो देश खतरे में हो जाता है। अच्छा, देश का संविधान, अरे यहाँ तो सत्ता मिली है दो जगह भाई। राहुल गांधी जी ने अभी आपने महिला आरक्षण की बात कही, कब प्रश्न उठाया सदन के अंदर कि 33% आरक्षण महिलाओं को मिले? कभी प्रश्न उठाया नहीं, उठाया क्यों नहीं उठाया कांग्रेस ने? राहुल गांधी जी अडानी कहते रहे, नोटबंदी पे चर्चा करते रहे, और जनता ने आपको एक बार दो बार तीन बार नहीं, ठीक है, बार बार जवाब दिया। ठीक है ठीक है, समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है। और आपको आम आदमी पार्टी बोल लीजिए, लेकिन चोर चोर मसूरे भाई बोले हैं भाई, आपको समझ में नहीं किसी भाई। मैं तो ये माना जी, अरे आम आदमी पार्टी बोल लीजिए, ये किसान की बात जो कर रहे हैं ये आपको बता दें, पंजाब एक ऐसा सवाल खड़ा कर रहे थे, पंजाब एक ऐसा स्टेट है इस समय जो इस समय जितने ड्यू पेमेंट है वो सब कर चुकी है भाई। चोर चोर आप रिकॉर्डेड बोला है, दूसरे अरे आप बोल रहे हैं चोर चोर मोसेरे भाई, चोर चोर मोसेरे भाई रिकॉर्डेड बोले हैं आप। घोटालों को किसने बोला है? अच्छा, ये किसान की बात करेंगे, नोटबंदी का असर गौरव भाई आप देखेंगे 50% प्रोडक्शन डाउन है, ऑर्डर नहीं है, चलिए हो गया। ये केवल फर्जी जरा भाई सुन लीजिए, इंटरनेशनल रिपोर्ट, ये फर्जी आगे रखने वाले जीडीपी के लोग हैं ये। हाँ, जब इनको जवाब मिला कि भारत, आप फिर आपने क्या किया, 2 मिलियन इंडस्ट्री के ऊपर आपके 2000 रुपए का जो आपने ये नोटबंदी, चलिए हो गया हो गया, और टू अभी पूछूंगा, अभी जेपी भाई समझ रहे, हो गया हो गया हो गया, केसी भाई हो गया प्लीज, हो गया हो गया केसी भाई, हो गया केसी सर, हो गया भाई, जरा प्रसार बोलेंगे, ठीक है ठीक है केसी भाई, आपका टर्न खत्म हो गया केसी भाई, आवाज भी करिए, आवाज टर्न खत्म हो गया, ठीक है जनक भाई अपनी बात पूरी करिए, फिर जेपी भाई को लूंगा जी। सर जो अभी इन्होंने लेटेस्ट जो 2000 नोट का इन्होंने नोटबंदी करी है ना जी, इसका इम्पैक्ट जो है जी 2 व्हीलर इंडस्ट्री पे आ रहा है। अच्छा, प्रोडक्शन डाउन हो गया है। अच्छा, ये स्थिति आ रही पड़ रही है। अच्छा, हम लोग इंडस्ट्री में रहते हैं, हम तो पता कि इनके जो कार्यक्रम है वो क्यों करते हैं, और ये बता दूं मैं इनको जी, ये जानबूझ कर रहे हैं, ये जानबूझ कर रहे हैं, ये 90% लोगों को 5 किलो अनाज पे बनाना चाहती है देश की जनता को ये लोग। अच्छा, जब रोजगार बंद हो जाएगा तो खाली जो 5 किलो अनाज की जो मिलने वाले को ये इनको विकास दिखाई देगा, ये वो देश बनाना चाहते हैं ये। ठीक है ठीक है ठीक है, जब क्या भाई बोलेंगे, केसी भाई सुन लीजिए, केसी भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, सुन लीजिए, दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, जेपी पांडे बोलिए जी, अब केसी भाई प्लीज, अब आपको 1 घंटे डिबेट आपके लिए नहीं है भाई, सत्ता पक्ष के लिए नहीं है, विपक्ष के लिए भी है, प्लीज सुन लीजिए, बोलिए दो सवाल आपने बड़े काम से टाइम दिया भाई, अरे आप ही को टाइम दे रहे हैं, आप देखिएगा, आप 1 मिनट आओगे हमारे हिस्से का, बोलिए, लेकिन दो सवाल आपने बड़ा अच्छा जी, बोलिए जेपी भाई, दो सवाल केसी भाई ने बड़े अच्छे उठाए। अच्छा, एक तो इनको ये था कि इसके पहले कुछ 70 सालों में था नहीं। अच्छा, दूसरा इन्होंने ये किसानों का नाम गलती से या जानबूझ के ले लिया, बहुत अरे सम्मान दे रहा है, गलती से क्या लिया है, उन्हीं का आंकड़ा ले आऊंगा। तो देखिए, अगर 70 सालों में इसे कुछ ना कहा जाए, PL 480 का गेहूं का याद होगा, जाके पुरखों से पूछिएगा, लाल रंग का आता था जो वहां के सुअर और गाय खाते थे जी। उससे अगर भारत में हरित क्रांति हुई और आज अमेरिका से ज्यादा गेहूं पैदा होता 14 से पहले जी। अरे भाई सुन लो, सुन लीजिए, कैसे सुन लीजिए, कैसे सुन लीजिए, अरे सुनिए तो मेरी बात, कैसे भाई सुन लीजिए अच्छी बात बोल रहे हैं, ज्ञान की बात बता रहे हैं के समय में, अरे अनाज है भाई, अरे अनाज टीवी में अंतर है, आईटी में अंतर है, किसी भाई टीवी है और आईटी नहीं खाएंगे, चुप रहिए तभी बोल क्या, और बोल लीजिए या तो मुझे बोलने दीजिए, अरे भाई मैं मान लिया राहुल गांधी नहीं थे, वो मोदी जी का पूरा रूप था आईटी क्रांति किया, अच्छा भी मान लिया, इसरो भी आप स्थापित किए थे दीनदयाल जी, विकास एक प्रक्रिया है, वो आप तो किए थे, अरे यहाँ समाजवादी पार्टी बोल रही है, उनको बोलने दीजिए, गरीबों को कांग्रेस नहीं बोल रही है, कांग्रेस आपको दिखा चुकी है, डिबेट है भाई, केसी भाई प्लीज,
अब मत बोलिएगा प्लीज जी, मैं बोलिए मैं ये कह रहा हूँ कि वो आप किए थे, मैं मान रहा हूँ हो सकता हमारा भ्रम रहा हो, वो कोई जनसंघी बैठा रहा हो, लेकिन हमने जो पढ़ा है वही कि हरित क्रांति हुई वहां तक जनसंघ नहीं सत्ता में था, मुझे याद है जी। तो अब सवाल ये है कि आत्मनिर्भर अमेरिका से बड़े उत्पादक हैं हम जी, लेकिन ये है कि हरित क्रांति कांग्रेस ने कर ली और इस समय जो प्रोडक्टिविटी हमारी है चूंकि कृषि अनुसंधान, अरे इस तरह कैसे भाई प्लीज, अरे कैसे भाई सुन लीजिए, मौका आपको दूंगा, आखिरी दो मिनट आप ही जवाब देंगे, उसके बाद क्या बाजी में कर दिया। बोलिए जेपी भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। ये है कि आज के डेट में जो मोदी जी को अवसर था, किसान सम्मान निधि का मतलब नहीं, भारत में चीन से ज्यादा फर्टाइल लैंड है, हमारा 3 गुना बड़ा चीन है जी, लेकिन फिर भी अगर आप प्रोडक्टिविटी उठा के देखेंगे तो हमारा हम उसके 40% नहीं है जी, गेहूं और चावल में। कारण यह है कि कृषि अनुसंधान पे जो बजट आना चाहिए वो अगर $7 बिलियन खर्चा करता है तो हम 1.4 करते हैं, 57% मोदी जी ने कटौती कर दी। और जिस आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं ना मित्र, 14.5 करोड़ किसान परिवार आप मानते हैं उसमें जी, और जो 2000 रुपए का जिक्र करेंगे औसत निकालेंगे 17,000 रुपया, और आप ही के वित्त राज्य मंत्री ने सदन में बताया है कि कुल भारत के किसानों पे 16,080 करोड़ रुपया कर्जा, औसत 1 लाख ही आता है, 1 लाख कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन 27 रुपया दैनिक आमदनी पे जीने वाले के लिए 1 लाख कितना दबाव डालता है कि भारत में 2300 किसान प्रतिदिन आज का आंकड़ा भूमिहीन हो रहे हैं, 21 किसान आत्महत्या कर रहा है, और जो भूमिहीन होकर दिहाड़ी मजदूर बन रहे हैं, दिहाड़ी मजदूरों का सबसे बड़ा मतलब कल्याणकारी कार्यक्रम मनरेगा है, उसमें 30,000 करोड़ रुपया इस बजट में आप काटे, उसका परिणाम यह हुआ है कि 115 दिहाड़ी एनसीआरबी का आंकड़ा कोई पुराना नहीं है, 115 दिहाड़ी मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप अगर भाई मेरे जो कृषि अनुसंधान में 57% कटौती करे, मजदूरों का 100 दिन का कोष काट के आप इस समय 50 दिन की मजदूरी नहीं मिल रही मनरेगा से, और किसानों को 17 रुपया दे के आप पीठ थपथपा रहे हैं, उससे ज्यादा 16,80,000 करोड़ से ज्यादा आप पूंजीपतियों का माफ कर चुके हैं, तो आप कम से कम प्रभु किसानों का और कृषि का काहे नाम लेते हैं, आप अडानी के लिए काम करते हैं करते रहिए, ठीक है ठीक है। दूसरा मैं ये जरूर कह रहा था कि अगर हरित क्रांति करके भारत को आत्मनिर्भर बनाने से भारत अपमानित हो रहा है, जिस चीन बॉर्डर की बात कर रहे हैं 56 इंच के सीने वाले, इनके आज हमारी जो फौज जहां 21-22 राउंड की वार्ता हो गई, लेकिन 10 किलोमीटर भीतर चीन घुस के बैठा है, बफर जोन में है, फिंगर फोर तक हमारे सैनिक नहीं जा रहे, इसे अगर डरना कहा जाएगा, और इंदिरा जी ने उस सिक्किम का विलय कर लिया, जनरल सुंदर ने दौड़ा लिया चीन को, तो वो अपमानित था। तो आप इस तरह सेलेक्टिव शब्द क्यों बोलते हैं कि नहीं पहले भारत अपमानित हो रहा था, बताइए। वो तो मैं एक जिक्र कर दूं कि माओ का 5 उंगलियों का सिद्धांत था जी, अगर ये पढ़े लिखे हैं जानते होंगे जैन साहब, उसमें वो कहता था कि हमारा ये लद्दाख नेपाल भूटान सिक्किम अरुणाचल ये हमारा है जी, उसी की एक उंगली काटी थी इंदिरा जी ने, औकात नहीं थी कि बोल दे जी, और आज आपके क्षेत्र में घुसा है जी, और आप इतना आपको बैन का व्यापार संतुलन मोदी जी क्या किए, $100 अरब का व्यापार घाटा हमसे, टिक टाक बैन करके बेवकूफ बनाते हैं भारत को, ठीक है, व्यापार मतलब प्रतिबंध भी नहीं लगा पा रहे हैं, ना दूसरे देशों से आयात करके डाइवर्सिटी ला रहे हैं, एक शत्रु राष्ट्र पे आयात की निर्भरता बढ़ा रहे हैं, तो ये थोड़ा उदारता से देखिए और भारत के विपक्ष की रचनात्मक योगदान को स्वीकार करिए, ये मत कहिए कि भारत आजाद हुआ था 2014 में, बोलने का काम जयप्रकाश जी कर रहे हैं। अच्छा, और ये भारत का है, इसमें जवाब कौन दे रहा है? हाँ, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर के जो काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं वही काम समाजवादी पार्टी कर रही है। अच्छा, जिसको जवाब नहीं दिया भारत देश के सैनिकों ने। अच्छा, अगर उन्होंने 20 को 12 क्या जवाब दिए आप? 20 को 12 तो हमने 50 को 12। अरे हमारी सीमा आप बताइए, हमारी सरहद वहां तक है कि नहीं है, जहां हमारी पेट्रोलिंग हो रही है वहां पहुंच पा रही है? अगर नहीं पहुंच पा रही तो व्यापार घाटा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं प्रतिबंधित कर रहे हैं? चीन से आयात करते रहेंगे इसलिए कि अडानी की कंपनी पार्टनर है, चीन पे इतना बैन लगाया गया है, क्या बैन लगाए हैं? $100 अरब का व्यापार घाटा, अमेरिका से भी बड़ा व्यापार घाटा है, अडानी के पार्टनर है चीन के लोग, ये बात क्यों नहीं बताते हैं? आपकी हैसियत में एक प्रतिबंध लगा दे, भारत की सरहद
अरुणाचल प्रदेश में घर बन रहा है, आप मोदी जी कह रहे नहीं, मुद्दा वहाँ कतौ कुछ नहीं, घुसे ही नहीं, अंतर राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका बना रहा है, रूस डॉलर, रूस जो है रुपए से व्यापार विनिमय प्रतिबंधित कर रहा है, रूस और चीन के गोदी में बैठ गया है, चीन आपके घर में घुस जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ताकत बढ़ रही है, एक बेचारे छोटे देश के आदमी को सिजदा करा लीजिए, अच्छा अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। अच्छा, तो हमने कब कहा, सुनिए, चाहे जो सुनिए, इसका मतलब नहीं है, भाजपा को हराने वाला जो अलायंस होगा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी भूमिका हमारी होगी। चलिए चलिए, कितना हारेंगे भाई, भाजपा को हराने वाले राज्य में, सुनिए कैसी भाई, उनका कहना है भाजपा को हराने वाले, पांच साल सुनिए कैसी भाई, जेपी पांडे बोल रहे हैं कि भाजपा को हराने वाले अलायंस में सबसे बड़ी भूमिका समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, तो स्वाभाविक हमारी है, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी नहीं। चलिए गजेंद्र त्रिपाठी बोलेंगे, हो गया, आप लोग आ गए भाई, अब मत दीजिए, अब मत दीजिए, मुझे सबका पता है, मुझे सबका पता है, ठीक है, कैसी भाई, कैसी भाई, हो गया, गजेंद्र भाई बोलेंगे, कैसी भाई, कैसी जहर, हो गया भाई, जेपी पांडे जी, हो गया, हो गया, आखिरी दो मिनट है, गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई बोलेंगे, गजेंद्र भाई जी बोलिए, विषय था राहुल गांधी और अंतर्राष्ट्रीय बयान जी, हम कहां चले गए, हमको भटकाने का प्रयास बराबर किया जाता है, और कैसे जी, जब कोई ये पूछ लेता इनसे कि सच्चर कमेटी पे क्या हुआ, अच्छा मुसलमानों की बात होती है ना अंतरराष्ट्रीय स्तर, राहुल गांधी सच्चर का तो सच्चर कमेटी पर कौन सा कार्य हुआ देश में, अच्छा स्पष्ट रूप से कहा गया कि दलितों से बदतर हालत देश में मुसलमानों का हो चुका है, अच्छा उस पर जो उस समय पार्टी सत्ता में थी पांडे जी, 10 साल से तो मोदी जी भी थे, क्या ये भी याद रखिए, बता दीजिएगा जी, ये भी याद रखिए आप, 10 साल से मोदी जी भी बता दीजिएगा, तो आप मैं क्या कह रहा हूँ जी, आप तो विश्लेषक रहे हो, विषय ला रहे हो आप, सच्चर 10 साल में मोदी जी काम करने का समय था, आपने कोई काम नहीं, नहीं नहीं आप बताइए 10 साल में मोदी जी क्या बताइए, ये दोनों मोदी जी की सुपारी लेके आए, किसान बोल दिए और ये सच्चर का नाम खुदा ले लिए, 42 बताइए, 42 ऐसा है सच्चर पे भैया, हम आप वरिष्ठ इज्जत करते हैं हमारी, सच्चर पे मोदी जी ने क्या किया ये बताइए, ये तो बहुत अच्छा मुद्दा, अरे मैं ला रहा हूँ ना, वही बताइए, आइए ना, आप सरकार सच्चर पे क्या की है, मैं पूछ रहा हूँ, आप 10 सालों में जाए, हम आपको धन्यवाद देंगे, आपने बता दिया कि कांग्रेस कुछ किया नहीं, क्या कर रहा हूँ, लेकिन 10 साल से मोदी जी सच्चर कमेटी क्यों दबा के बैठे, आपने तो कोई नहीं पूछा, कांग्रेस ने नहीं किया, पूरा करिए भाई, आपको राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पूछा नहीं है, ये ना सच्चर, भाजपा और कांग्रेस दो ही पार्टी है, अच्छा अरे 10 साल से मोदी सच्चर कमेटी पर सच्चर कमेटी भाई काम करने के लिए नाराज हो रहे हैं, पांडे जी सच्चर कमेटी रिपोर्ट पे काम करने के लिए, काम करने के लिए या तो कांग्रेस थी या तो भारतीय जनता पार्टी, अच्छा दोनों ने मुसलमानों के साथ, मोदी जी नहीं, मोदी जी कांग्रेस से नहीं निकलेगा, अब सुनिए मेरी बात को, बात नहीं होने देंगे आप, दोनों ने मुसलमानों के साथ, दोनों ने मुसलमानों के साथ व्यवहार वैसा ही, मैं कह रहा हूँ सच्चर कमेटी लागू नहीं हुई, कांग्रेस मुर्दाबाद, आप भी कहिए कि मोदी मुर्दाबाद, इनकी हैसियत नहीं है, समस्या यही है, समस्या यही है, मैं तो समाजवादी पार्टी का होकर कह रहा हूँ सच्चर कमेटी लागू नहीं हुई, कांग्रेस मुर्दाबाद, आप कहिए मोदी 10 साल नहीं लागू किया, मोदी मुर्दाबाद, सच्चर कमेटी पे मोदी जी को नंगा कर दिए, मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने सच्चर कमेटी पे मोदी जी को जो आईना दिखाया है, आपको धन्यवाद देता हूँ, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा की राहुल गांधी के बयान पर जो उन्होंने सांता क्लारा में जाके दिए, खैर चर्चा महत्वपूर्ण थी, चर्चा यहाँ पर भटक भी गई, चर्चा यहाँ पर सच्चर कमेटी पे भी गई, चर्चा यहाँ पर किसान निधि पे भी गई, और चर्चा यहाँ पर अन्य लोगों की व्यवस्थाओं पर भी गई, बातों पर गई, और तमाम शब्दों का यहाँ उपयोग किया गया, यहाँ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए, तो यहाँ पर चोर चोर मौसेरे भाई भी बोला गया, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी भारतीय राजनीति को इस स्तर पर क्यों ले आए हैं, वो भारतीय राजनीति जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो भारतीय राजनीति जिसकी हमेशा प्रशंसा होती थी, लोग अनुसरण करते थे, और वो भारतीय राजनीति जिसकी अपनी एक विश्व में पहचान है, पर भारतीय राजनीति को खराब कौन कर रहा है, हमारे देश के राजनेता, चाहे बयान की बात करें चाहे आरोप प्रत्यारोप की बात करें, क्योंकि इस तरह के बयान दिए जाते हैं, ये केवल राहुल गांधी के बयान की बात नहीं है,
ये केवल अन्य लोगों के बयान की बात नहीं है, बल्कि बयान तो हमारे देश में राजनीति में ऐसे दिए जाते हैं, किसी को रावण बोला जाता है तो किसी को सूर्पनखा, तो किसी को चौकीदार चोर तक बोल दिया जाता है। हम अपने राजनीति में सूचना को लेकर आएंगे, उस सूचना को लेकर जब बरकरार रखेंगे तभी बेहतर राजनीति बनेगी, तभी हम लोग विश्वगुरु बनने का सपना जो पाले हुए हैं वो बन सकते हैं। केवल बातों से, केवल आंकड़ों से अब देश में भला नहीं होने वाला है। आगे बढ़िए, संघर्ष करिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कम से कम सूचना बनाए रखिए राजनीति में, व्यवस्थाओं में, और कम से कम आपसी तालमेल में, क्योंकि जब हम बोलेंगे वही लौटकर हमको भी पास आना है। क्या स्थिति है अन्य पार्टियों की, राष्ट्रीय पार्टियों की स्थिति है ये जनता भी जानती है, हम जैसे खबरन बीच भी जानते हैं, शायद वो पार्टियां भी जानती हैं, पर यह जानने वाली बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जानने के बावजूद हम अनजान क्यों हैं, व्यवस्थाओं से, कमियों से, और आरोप प्रत्यारोप के दौरों से। तो आज की चर्चा में इतना ही, उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में मंच होगा देश का, व्यवस्थाएं होंगी देश की, और सबसे बड़ी बात है संघर्ष होगा देश में होगा, और जनता के प्रतिनिधि जनता की बात लेके बात करेंगे, ना कि आरोप प्रत्यारोप की। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।